दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, बुध वर्तमान में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जो होने वाला है वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। मेष राशि में बुध गोचर करके पीड़ित बुध आपको क्या देंगे, कैसा प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे, ये हमने अलग से वीडियो बना करके आपको बताया था। लेकिन मेष राशि के अंतर्गत भरणी नक्षत्र आता है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र के नक्षत्र में बुध देव प्रवेश करने वाले हैं। 8 अप्रैल 2023 से लेकर के 9 मई 2023 तक बुध का गोचर भरणी नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद में ये वक्री मार्गी होकर के इधर उधर होंगे और फिर से अश्विनी में जाएंगे, फिर भरणी में दोबारा फिर आएंगे, तो पुनः 21 मई से 4 जून तक फिर रहेंगे। तो ये जो गोचर है, मतलब आप अगर डेट नोट करें तो आप ये समझ लीजिए कि 8 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक, फिर 21 मई से लेकर के 4 जून तक ये समय है। इस समय के दौरान भरणी नक्षत्र में बुध देव रहेंगे और शुक्र के नक्षत्र में बुध का होना इस चीज को दिखाता है, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी उस दौरान बहुत अच्छी स्थिति है। तो ये चीज दिखाती है कि भरणी नक्षत्र बहुत ही पावरफुल नक्षत्र, शुक्र बहुत पावर में, इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम तो दूर होंगी ही, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो 100% आपकी दूर होने वाली है, जिसमें आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये बुध का गोचर नक्षत्र परिवर्तन ये देने वाला है। ये क्या है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था, नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी पार्टनर के साथ में, तो अब बातचीत फिर से शुरू होने वाली है। बहुत बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, फिर से एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप की दिखाई देगी। और ये पहल दोनों तरफ से भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपके पार्टनर खुद लौट कर आएंगे, जो छोड़ कर गया था वो खुद लौट के आएगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि बुध जब शुक्र के नक्षत्र में होते हैं तो आपके स्किन का आकर्षण या आपकी वाणी का आकर्षण बढ़ा देते हैं, खास करके वाणी का। तो वाणी का आकर्षण होता है जो हमें 4 घंटे एक व्यक्ति से बात करने के लिए मजबूर कर देता है, उससे अटैचमेंट बढ़ा देता है, उस व्यक्ति से बात करते ही रहें या उसकी बात सुनते ही रहें, ऐसा कुछ हो जाता है। उसके साथ कनेक्शन बना रहे, हमेशा बातचीत होती रहे, उससे हालचाल पूछते रहें, उससे भी अपनी तारीफ करवाते रहें, उसकी भी तारीफ करते रहें, ये चीज़ यही निर्मित करते हैं और यही संयोग, यही योग निर्मित करते हैं। 6 ऐसी राशियां हैं जिनको ये विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी कि 6 राशियों के जीवन में फिर से उजाला होने वाला है। और निश्चित रूप से इन 6 राशियों के बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति बनी हुई है काफ़ी समय से, और बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हुई है, मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि लव लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही है तो फिर से अच्छी चलने लगेगी, और जो पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत कम बात कर रहे थे, वो फिर से पुनः वैसी बातें करने लगेंगे जैसे पहले करते थे। पहले जैसी पुनः नए नए रिश्ते की स्थिति जैसी होती है, वैसे ही फिर से बन जाएगी। अगर पार्टनर आपसे बोर होते थे, बोर उनकी बंद हो जाएगी, बोर होना बंद हो जाएंगे, और आपके प्रति अटैचमेंट, केयर बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा एक सटीक बात बोलूँ अगर आपको, सच में आप फिर से एक अच्छे रिश्ते में आने वाले हैं, फिर से आपका रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बनने वाला है, और आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं, आपका रियूनियन होने वाला है, आपका पैचअप होने वाला है। हो सकता है कि ये जो आपका रिश्ता जुड़े, ये आपका बहुत पुराना रिश्ता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता आपके जो ब्रेकअप से पैचअप हो रहा है, ये वो रिश्ते जुड़ रहे हैं जो अभी 2-3 महीने के अंदर ही ब्रेकअप हुआ था, 4 महीने के अंदर ही ब्रेकअप हुआ था, उनके रिश्ते ज़्यादा जुड़ेंगे। क्योंकि मेरे रीडिंग में तो ये, मुझे अपने एनालिसिस में ये पता चलता है कि ये 2-3 महीने पुराने रिश्ते ही हैं जो टूट गए थे, बिखर गए थे, कमज़ोर हो गए थे, वो फिर से एक हरे भरे रिश्ते बनने वाले हैं। जो बहुत पुराने हैं, अगर वो भी आ जाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन उनके चांस कम हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको ये, मतलब राशियाँ कौन सी हैं, कौन किन लोगों को ये लाभ मिलने वाला है बुध के इस प्रभाव से। हम सभी राशियों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिनको लाभ मिल रहा है, जो फायदा है, और आप कहते भी हैं कि कुछ पॉजिटिव जो मिले वो बताइए, तो पॉजिटिव, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, आपको एक जानकारी देनी होती है, वो सही होनी चाहिए, बस इतना है। नेगेटिव हो तो उसे सावधान हो जाइए, पॉजिटिव है तो उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कोशिश कीजिए।
तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जानकारी आपको देने वाले हैं। राशियाँ कौन सी हैं? पहली राशि है मेष राशि, खुश हो जाइए। दूसरी राशि है वृषभ राशि, खुश हो जाइए। तीसरी राशि तुला राशि है। तुला राशि के लिए तो बहुत ज़्यादा खास है, मतलब शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। आपकी लव लाइफ बहुत खराब चल रही है, हो सकता है कि मैरिड लाइफ की स्थिति भी खराब जो है उसमें भी बदलाव आए, तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब वृश्चिक राशि है चौथी राशि, और पांचवी राशि मकर राशि है। मकर राशि के लिए तो बहुत ज़्यादा खास है। और छठवीं राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के आप हैं, अगर आपके पार्टनर भी इन राशियों के हैं, तो निश्चित ही आपके लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। आप इन राशियों के तो निश्चित रूप से आपको बदलने वाला है, और अगर आपके पार्टनर भी इन राशियों के हैं तो आपके लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। आप इस राशि के नहीं, आपके पार्टनर इस राशि के हैं, तब भी आपको फायदा होगा। तो ये स्थिति आपके लिए होने वाली है, और आपको ये परिवर्तन वीडियो अगर पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।